औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू आयशाज़ किचन। आज हम बना रहे हैं बैंगन की रेसिपी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंगन लें, इस तरीके से काट लें और उसके ऊपर नमक डाल दें, साल्ट टू टेस्ट, जितना आपको चाहिए। अब मिक्स करें नमक को, पैन में ऑयल डालें 4 से 5 चम्मच। बैंगन को इस तरीके से स्लाइस करना है, इस पर हमने नमक भी लगा दिया था। अब लो फ्लेम पर इसको पकाते जाएं। बैंगन को लो फ्लेम पर पकने दें। बैंगन को टर्न करते जाएं। ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया है, इस कलर के निकालने सारे, जो जो पक रहे हैं उनको निकालते जाएं। अब दूसरा पैन में उसमें ऑयल डालें 2 से 3 चम्मच। लहसुन डालें 2 चम्मच चॉप करके। लहसुन को ज्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा गोल्डन करना है। प्याज डालें 1 मीडियम साइज का चॉप करके। अब टमाटर डालें चॉप करके। साल्ट टू टेस्ट डालें, 1/4 चम्मच डालें धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी डालें, कुटी हुई लाल मिर्च डालें 1/4 चम्मच, रेड चिल्ली पाउडर डालें 1/4 चम्मच। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। जीरा पाउडर डाल दें 1/2 टीस्पून। टमाटर की जो हमने चटनी बनाई है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम उसको साइड कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कर दें। अब 3 पाव के करीब दही लें, उसको अच्छे से फेंट लें। अब इसमें नमक डालें दही के हिसाब से, क्योंकि हमने बैंगन में भी नमक डाला है और टमाटर में भी नमक डाला है। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें। दही हमारी रेडी हो गई है, अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। अब तड़के के लिए पैन में ऑयल डालें 6 से 7 चम्मच। साबुत जीरा डाल दें, लाल मिर्च डाल दें बड़ी सूखी वाली, दही पर बघार लगाएं। अब बाउल में दही डालें तड़के वाली, अब बैंगन डालें जो हमने फ्राई किए थे। इस तरीके से दही बनाते जाएं। टमाटर की चटनी डालें जो हमने बनाई थी। फिर से दही डालें, फिर से बैंगन डालें, फिर से टमाटर डालें, फिर से दही डालें। दही वाले बैंगन हमारे रेडी हो गए। ये खाने में बहुत लजीज बनते हैं, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसे बने हैं। आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं खाने में।